यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि यूपी की वैकेंसी है, लेकिन ऑल इंडिया कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। किसी भी स्टेट का क्या हो, रजिस्ट्रेशन हो चलेगा, अगर फॉरेन का होगा तभी चलेगा, लेकिन डोमेसाइल कहाँ का होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए। वैकेंसी किसकी है, स्टाफ नर्स की है, और नोटिफिकेशन आज ही आया है 20/1/2023। टोटल पोस्ट कितनी है, 220। और सैलरी देखो भाई, सैलरी है बेटा 7 पे ग्रेड में 44,900 से लेके 1,42,400। मजे आ जाएंगे, 42,000 मजे, 1,42,000 मजे आ जाएंगे, राइट। और क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग फ्रेशर एलिजिबल है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रेशर एलिजिबल है, एमएससी नर्सिंग वाला फ्रेशर एलिजिबल है। लेकिन बात कहाँ आ जाती है, जीएनएम वालों के पास, क्योंकि जीएनएम वालों के पास जीएनएम के साथ साथ सर्टिफिकेट के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वह भी 50-बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। और बेटा इसका जो टेस्ट होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी क्या होगा, टेस्ट होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक बात याद रखना, इसमें 70% क्या आएगा, नर्सिंग सब्जेक्ट आएगा, और 30% क्या आएगा, अदर सब्जेक्ट, जिसमें से कंप्यूटर होगा, जेके होगा, करंट अफेयर होगा, मतलब जेके में ही होगा, एंड रीजनिंग। और दूसरी बात, यूपी का किसी भी एग्जाम पैटर्न देख लेना, सारा का सारा जो क्वेश्चन होता है वो सिंगल लाइन में आता है, वन लाइन क्वेश्चन होता है, मतलब नोटपैड की तरह घुमा फिरा के नहीं डाला जाता है, बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि 70 में से 60 क्वेश्चन तो ऑनलाइन के होंगे, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछेगा, जबकि नोट सेट में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वह पहुंचता 1 वर्ड से है, लेकिन उसको 100 वर्ड में बना के क्वेश्चन बनाता है, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और फिर उसका मेंटल पावर देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर टू द पॉइंट क्या आएगा, क्वेश्चन, इसलिए ठीक है।